हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, आज तक हमने काफी सारे वीडियो देखे, मतलब इस चैनल पे सिलेबस के वीडियोस, एक्सेल ट्यूटोरियल और पावर पॉइंट ट्यूटोरियल, इस तरह के काफी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए। उसके बाद ये जो वीडियो है उसी सीरीज में एक हम ऐड करने वाले, जो हमारे टेक्निकल इश्यूज है वो सॉल्व करेगा। लैपटॉप होता है उसके अंदर कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर वो खराब हो जाए तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। भले हमारे पास ऑन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है कंप्यूटर में, बट उससे ज्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता। ठीक है, माउस भी कभी खराब हो जाता है, कभी कीबोर्ड भी खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में जो कीबोर्ड आपका अगर खराब हुआ है तो उसको उसके खराब होने के पीछे के क्या क्या चीजें हो सकती है, क्यों वो खराब हुआ, या फिर काफी सारे ऑप्शंस भी होते हैं कि उस कीबोर्ड को हमें कैसे ठीक करें। पॉसिबिलिटीज काफी सारी होती है। अगर हम कीबोर्ड का कहीं बाहर लेके जाएंगे वो चार्जेस भी लेंगे और उनका बनाने का अलग से फीस भी होगा। ठीक है, वो कीबोर्ड अगर नया बिठाने लगेंगे तो उसका 800-900 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, घर बैठे हम क्या करते हैं, उस कीबोर्ड को है वो टेक्निकल इश्यूज हमारी तरफ से सॉल्व करके देखते हैं। इजी है, आपको समझ में भी आएगा, वीडियो एंड तक देखिए। कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज भी होते हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे, और कुछ हार्डवेयर इश्यू भी होते हैं वो हम एंड में करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर खोलने से पहले हम अपना सॉफ्टवेयर इश्यूज जो है वो एक बार जांच कर लेते तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, जहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नहीं है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर माउस के जरिए मैं सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में जाकर मुझे एज ऑफ एक्सेस में जाना है। एज ऑफ एक्सेस में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है लास्ट में कीबोर्ड। कीबोर्ड में जाकर यहाँ पर यूज ऑफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन करना है। इसके लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी है, स्टार्ट कंट्रोल ओ, यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाता है। इसकी साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो साइज इसकी कम रखते हैं फिलहाल। ठीक है, अगर हमारी कीज काम नहीं कर रही तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करके मैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर जो है वहाँ पे टाइप करूँगा। डिवाइस मैनेजर ओपन करना है मुझे अपना जो फर्स्ट सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो रहा है, उसके अंदर हमें यहाँ पर ये कीबोर्ड आपको दिख रहा है, इसको हम फुल स्क्रीन पर एक बार करते हैं ताकि आपको दिखे। कीबोर्ड के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर्स, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फर्स्ट अपडेट ड्राइवर्स करना है। एंड यहाँ पर आपको एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर एक जो आपको पूछ रहा है कि हाउ डू यू सर्च ड्राइवर्स, सर्च ऑटोमेटिकली अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर ओपन हो गया है। ठीक है, तो ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सर्च फॉर अपडेटेड ड्राइवर्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड पीएस कीबोर्ड यहां पर आ चुका है। हम नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉलिंग ड्राइवर, ड्राइवर जो इंस्टॉल हो रहा है उसका, और ये सक्सेसफुली हो गया है। ओके, सो सक्सेसफुली यहां पर होने के बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। तो ये पूछेगा यहाँ पर, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर। फिलहाल के लिए यहाँ पर नो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर यस करना, आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो कीबोर्ड का सॉल्यूशन है, अगर वो रिलेटेड टू ड्राइवर, ड्राइवर के रिलेटेड कोई आपका इश्यू होगा तो वो उस वक्त सॉल्व होके आपका कीबोर्ड जो है सॉल्व हो सकता है। अगर ये भी सॉल्यूशन आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है इस सॉल्यूशन से, तो अपने पास नेक्स्ट सॉल्यूशन है, काफ़ी सारे अपने पास सॉल्यूशन है। लास्ट में हम कीबोर्ड को ओपन करके भी देखेंगे कि उसके अंदर कुछ फॉल्ट है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर ये सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आपको अगले सॉल्यूशन की तरफ भी आप जा सकते हो। ये अपना पहला सॉल्यूशन था, मे बी ये सॉल्यूशन आपके लिए सक्सेसफुल हो भी सकता है। नेक्स्ट हम जाते हैं, फिर से हम यहाँ पर स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अपडेट एंड सिक्योरिटी सेटिंग में हमें फिर से जाना है। ये जो सेटिंग्स है उसके अंदर हमें फिर से जाना है,
ये जो ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटीज, अपडेट एंड सिक्योरिटीज के अंदर हमें एंटर करना है। यहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ट्रबल शूट में आपको जाना है। अपडेट एंड सिक्योरिटीज में ट्रबल शूट में आप जाएंगे। ट्रबल शूट में जाने के बाद एडिशनल ट्रबल शूटर, और यहाँ पर आपको आपके डिवाइस जो है वो दिखेंगे। तो उसके अंदर आपको कीबोर्ड का प्रॉब्लम शूट करना है, सॉल्व करना है। तो आपको कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके रन द ट्रबल शूटर करेंगे तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सो वो रिजॉल्व हो सकता है यहाँ पर। तो आपको रन द ट्रबल शूटर करना है, देन दिस प्रॉब्लम विल गेट सॉर्टेड। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये था अपना सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन अगर काम नहीं कर रहा है तो अपने पास एक और एक सॉल्यूशन बचता है, जो कि है कीबोर्ड को ओपन करना है। कीबोर्ड को ओपन करने के बाद अब हमें ये होता है कि कभी-कभी कीबोर्ड के अंदर कुछ डस्ट वगैरह होने की वजह से कीबोर्ड काम नहीं करता, तो उसको हम साफ करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर उस वक्त भी हुआ नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कीबोर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द न्यू कीबोर्ड। तो वो भी हम किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लेना। वो स्ट्राइप जो है सॉफ्ट हम रिपेयर करेंगे या फिर उसको साफ करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये सारी चीजें आप देखिए इसी वीडियो में आपको दिखेगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर मैंने इसके बैटरीज जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी है, ठीक है। यहाँ से मैंने बैटरी रिमूव कर दी है। एंड नेक्स्ट स्टेप है इसके जो स्क्रूज है वो हमें निकालने हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको लगेगा एक स्टार साइज वाला स्क्रू ड्राइवर, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टार मार्किंग है, ठीक है। एचपी के लैपटॉप में ये स्टार कीबोर्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो स्क्रू है, ठीक है। जैसे स्क्रू हो गए उस तरह से आपको स्क्रू ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू रिमूव दिस, यहाँ पर एक जो पैनल होता है वो, और उसके बाद ही ये जो पैनल है वो निकलेगा, ठीक है। ये दो पैनल आपको निकालने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कीबोर्ड का साइन यहाँ पर दिया है, ये स्क्रू आपको रिमूव करना है। एंड देन यहाँ पर सेकेंड स्क्रू होता है जहाँ पर ये कीबोर्ड का आपको साइन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रू आपको रिमूव करना है, ठीक है। जहां पर आपको कीबोर्ड का साइन दिखेगा वो उसका बाजू वाला स्क्रू आपको रिमूव करना है। ये दो स्क्रू रिमूव करने के बाद, ठीक है, आपको जो लैपटॉप है उसको ओपन करना है। फ्रंट साइड जो है, फ्रंट साइड ओपन करके आपको ये सिंपली यहां से ये कीबोर्ड जो है वो थोड़ा सा प्रेस करना है पीछे की तरफ। देख सकते हो कि ये थोड़ा कीबोर्ड जो है पीछे की तरफ प्रेस किया है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से ये कीबोर्ड का इनर पार्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्राइप है, ठीक है, ये कीबोर्ड से अटैच होती है मदरबोर्ड को, आप देख सकते हो इस स्ट्राइप को आपको निकाल के सिंपली क्लीन करना है। आप देख सकते हो कि कितना डस्ट यहाँ पर इसके अंदर बैठ जाता है, तो डस्ट को आपको एक बार क्लीन कर लेना है। ये कीबोर्ड का स्ट्रिप जो है वो पट्टी मैंने निकाल दिया है जहाँ पर ये कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से, ठीक है। यहाँ पर उसका कनेक्शन होता है, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। इसको मैं क्लीन करूँगा अच्छे से, इरेजर से वगैरह आप क्लीन कर सकते हो। नाउ ये स्ट्राइप जो है वो मैंने निकाल के फिर से, मतलब इसको क्लीन करके मैंने फिर से लगाया। अभी यहाँ पर ये जो सेम कीबोर्ड है मैंने फिर से लगाया, ठीक है। अगर आपका कीबोर्ड ही पूरा अगर खराब हुआ है और आपको चेंज कर सकते हैं, तो आप वो मार्केट से कीबोर्ड मंगा कर वो आप इसी तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करके भी वो अटैच कर सकते हैं, ये कीबोर्ड निकाल के उस नए कीबोर्ड को अटैच। जैसे कि मैंने भी ये जो पट्टी था, ठीक है, ये जो कनेक्टर था वो मैंने यहाँ से खींच के निकाला था, ठीक है, और उसी तरह से मैंने स्लोली उसको यहाँ पर फिर से इंसर्ट कर दिया, ठीक है। वो फिट बैठ गया, तो ये श्योर हूँ ये फीड बैठ गया, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस कीबोर्ड को फिर से एज इट इज इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश की, अगर वो नहीं हुए, ट्रबल शूट किया हमने, डिवाइस मैनेजर में अपडेट ड्राइवर्स किया, वो दो ऑप्शन हमने देखे, तो वो हमें सॉल्व करने की कोशिश की बट नहीं हुए। फिर हमने कीबोर्ड को खोला, यहाँ पर डस्ट और वो उसकी स्ट्राइप जो है क्लीन करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। सो जिस तरह से वो कीबोर्ड हमने निकाला था, उसको दूसरा कीबोर्ड हम ज्वाइन कर सकते हैं वो कीबोर्ड निकाल कर, अगर कीबोर्ड खराब हो गया होगा तो। ये काम आपका बहुत आसानी से हो सकता है, सिर्फ आपको
अगर आपका पूरा के पूरा कीबोर्ड ही खराब है, सो उसको रिपेयर करने के लिए मार्केट में काफी सारा खर्चा आता है बस। बट वही काम आपको आप खुद कर सकते हो, सिर्फ आपको एक्सपेंस किसका आएगा, सिर्फ आपको कीबोर्ड का खर्चा आएगा जो कि आप मार्केट से परचेस करके लाओगे। और जो भी कीबोर्ड आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे या फिर लगाओगे, आपको मार्केट से कीबोर्ड लाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपका जो डिवाइस है, आपका जो लैपटॉप है, वो सेम कीबोर्ड आपको लाना है, वही मॉडल का और वही सीरीज का कीबोर्ड आपको लाना है, तो ही प्रॉपरली इंस्टॉल हो सकता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि और भी कोई प्रॉब्लम में अगर फंसा होगा तो कीबोर्ड उसका सॉल्यूशन आसानी से उसको मिल सकता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके आपको काफ़ी जो नए नए वीडियोस आते रहेंगे वो आपको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।